हेलो दोस्तों, हमारे चैनल सिविल साइनाइड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 19 फुट 3 इंच बाय 48 फुट का ईस्ट फेसिंग हाउस प्लान। ग्राउंड फ्लोर पर एक शॉप है, दो बेडरूम, एक ड्राइंग रूम है, कॉमन अटैच टॉयलेट है, किचन है, लॉबी है, एक कार पार्किंग स्पेस है। इसी तरह से फर्स्ट फ्लोर पर कुछ अलग तरीके से बनाया गया है। तो ये प्लान मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, समझने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सिविल साइनाइड। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने ये प्लान है 19 फुट 3 इंच बाई 48 फुट में बनाया गया है। ईस्ट फेसिंग है। यहाँ से आप फ्रंट में देखेंगे तो एक शॉप आपको दिखता है, 9.5 बाई 9 फुट का एक शॉप है। इसके बराबर में से ही मेन एंट्री है, 8.5 फुट वाइड एंट्री है और आप देख सकते हैं इसकी डेप्थ जो है वो 21 फुट है। तो पार्किंग स्पेस आपका इजीली यहाँ पर बन सकता है। स्टेयरकेस यहीं से है। इनकेस फर्स्ट फ्लोर को आपको रेंट भी देना है या सेपरेटली यूज़ करना है तो स्टेयरकेस बाहर से ही दिया गया है। यहाँ से अंदर आएंगे, एक ड्राइंग रूम मिलता है आपको शॉप के जस्ट पीछे, 9.5 बाई 8 फुट का एक ड्राइंग रूम है। आप चाहें तो इसके एक एंट्री पोर्च की तरफ से दे सकते हैं। लॉबी की तरफ से इसे खुला रखा गया है। इसकी विंडो पोर्च की तरफ लगाई गई है। यहाँ से आएंगे अंदर तो एक सीढ़ियाँ हैं जो फर्स्ट फ्लोर पर जाती हैं आपकी। यहाँ से आप लिखा है, यहाँ से जाएंगे और फर्स्ट फ्लोर पर हमारी एंट्री यहाँ पर होगी। ये मेन गेट है D0, 4 फुट वाइड ये गेट है। यहाँ से अंदर आएंगे, हमारी एंट्री एक लॉबी में होगी। 8 बाई 12 फुट की लॉबी का स्पेस आपको मिलता है और सीढ़ियों के जस्ट पीछे आप देख सकते हैं 5.5 बाई 9.5 फुट की एक किचन मिलती है आपको। आप चाहें तो इसे एज अ ओपन किचन बना सकते हैं, तीनों तरफ स्लैब डाल के बीच में से इसे ओपन कर सकते हैं। लॉबी में ही आप देखेंगे किचन के जस्ट सामने की तरफ एक WC और एक बाथ है। इनके डोर लॉबी में दिखाई नहीं देंगे, आमने सामने लगाए गए हैं। बीच में वेंटिलेशन के लिए एक जाल दिया गया है। 4.25 बाई 3 फुट का WC है। इसी के सामने 4.25 बाई 5 फुट का एक बाथरूम आपको मिलता है। इस जाल में ग्राउंड फ्लोर पर आप वॉश बेसिन लगा सकते हैं या वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। थोड़ा सा पीछे आएंगे, 9 बाई 12 फुट के दो बेडरूम सबसे फ्रंट मिल रहे हैं आपको। आप देख सकते हैं बेड प्लेसिंग के बाद भी इसमें अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है। इस बेडरूम के साथ पीछे एक 6.5 बाई 4 फुट टॉयलेट को अटैच किया गया है। एक छोटी विंडो लगाई गई है ओपन की तरफ, आप चाहें तो एक रोशनदान भी लगा सकते हैं इसमें। जबकि इसके बराबर वाले बेडरूम में आप देख सकते हैं ओपन स्पेस में जाने के लिए एक डोर दिया गया है। इनकेस कूलर वगैरह आप लगाना चाहें या वॉशिंग स्पेस करना चाहें या कुछ सामान भी आप यहाँ रख सकते हैं तो यहाँ पर एक डोर दिया गया है और इस रूम की विंडो भी पीछे लगाई गई है। 11.5 बाई 4 फुट का ये ओपन स्पेस आपको यहाँ मिलता है। ये रेड बॉक्सेस आप देख रहे हैं, ये सारे कॉलम डिनोट किए गए हैं। आइए दोस्तों इसके फर्स्ट फ्लोर को देखते हैं, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट किया गया है क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर शॉप है और शॉप और रूम को कंबाइन करेंगे तो काफ़ी लंबा स्पेस हो जाता है। तो आइए इसके फर्स्ट फ्लोर को देखते हैं। ये इसका फर्स्ट फ्लोर है, पीछे का प्लान है जिट इज़ है। जब हम सीढ़ियाँ चढ़कर आते हैं तो हमारी एंट्री यहाँ पर होती है और D0 ये मेन गेट एज इट इज़ है। यहाँ से अंदर आएंगे तो लॉबी में एंट्री होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉप और ड्राइंग रूम को हटाकर एक बड़े साइज का बेडरूम दे दिया गया है, 9.5 बाई 14 फुट का। और इधर से ही बालकनी की स्पेस को बढ़ा दिया गया है जो कि प्रोजेक्शन हमने 2.5 फुट लिया था रोड पर। और यहाँ पर थोड़ा सा और आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल रहा है तो रूम को थोड़ा सा पीछे हटा के लिया गया है। 6.5 फुट वाइड एक बड़ी सी बालकनी आपको यहाँ मिल जाती है। तो दोस्तों दोनों प्लान बहुत अच्छे हैं, इसका फ्रंट एलिवेशन भी काफ़ी अच्छा बनकर आएगा। इन केस अगर आपके प्लॉट का साइज डिफरेंट है, अलग तरीके की प्लानिंग करवाना चाहते हैं तो आपके डिस्प्ले पर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर शो कर रहे हैं, आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में हम आपके लिए बेहतरीन हाउस प्लान बनाकर लाएंगे। आप हमारे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी हमने काफ़ी अलग अलग और अच्छे 3D हाउस प्लान्स अपलोड किया है तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। इन प्लान्स के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। प्लान पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह के बेहतरीन हाउस प्लान की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।